हेलो दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल बटन टू स्टे कनेक्टेड। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम मशरूम सूप कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी सूप है, इसमें विटामिन डी भी होता है। देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमने सबसे पहले पैन लिया, मैंने उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लिया है। अब मैंने दो प्याज लिए हैं जिसको चॉप करके मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से भून लीजिए। मैंने शिमला मिर्च ली है, वो भी चॉप करके डाल दी है। अब मैंने मशरूम लिया है, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको आप डाल दीजिए और अच्छी तरह से भून लीजिए 4 से 5 मिनट तक, थोड़ा सा वो पक जाए। देखिए इस तरीके का जब हो जाएगा तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, सोया सॉस डाली है थोड़ी सी, और मैंने विनेगर डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, सॉस डाल दी है और चिल्ली ऑरेगानो सॉस भी डाल दी है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट पका लीजिए, फिर इसमें आप कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए 2 चम्मच और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक पका लीजिए, फिर हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे। मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने 4 कप पानी की डाला है और उतना ही मैंने सामान लिया था। अच्छी तरह से इसे 5 से 6 मिनट पकने दीजिए। अब मैंने हरा धनिया लिया है और उसे पकने दीजिए। अब उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाल दी है और उसको 5 से 6 मिनट तक पकने दीजिए, तो अच्छी तरह से पक जाएगा और उसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा बनकर आया है और ये बहुत ही हेल्दी है, इसमें विटामिन डी भी होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन बाय बाय।